नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट और आज चलेगा गुडविल का क्वेश्चन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और उसका क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर एनटी मेथड। फर्स्ट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फोल्ड है। सेकंड है नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 10%। थर्ड है प्रॉफिट फॉर 2013 62,000, 2014 के लिए 59,000 है, 2015 के लिए 60,000 है। अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा। Profit for 2014 has been arrived at after writing of abnormal calculation. Abnormal loss of 2000 and profit for 2015 includes a non-recurring income. अभी थोड़ा देखो, 2014 में लिखा हुआ है कि after writing of abnormal loss. तो 2014 के लिए लॉस दे रखा है तो उसे प्लस कर देना 2014 वाले प्रॉफिट में, और 2015 के लिए नॉन रिकवरी इनकम दे रखी है तो उसे माइनस कर देना। आगे गुडविल इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एनुइटी ऑफ 3 इयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी ऑफ 1 रुपीस फॉर 3 इयर्स एट 10% पर एनम इज 2.486। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है कितनी है, 2.4868। तो ये 1 रुपये से ज़्यादा है ना, तो उसमें मल्टीप्लाई वाला यूज़ करेंगे फॉर्मूला, और कम होता था डिवाइड वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ठीक, हमारे इस क्वेश्चन में कैपिटल प्रॉफिट कितना, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा था, 14 के लिए 4 लाख दे रखा ना। ठीक है, 4 लाख का कैपिटल प्रॉफिट एम्प्लॉयड है, रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है, 10%। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड परसेंट अपॉन 100। ठीक है, तो 4 लाख का हमने निकाला, 10%, 40,000 आ जाएगा। ये तो सिंपल चीज़ है, करते आए कई बार। ठीक है, फिर आता है हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट के लिए तो आपको तो ईयर वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ एड लेस करने के लिए आइटम दे रखे हैं। तो अभी हम लिखते हैं ईयर, और यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट। ईयर कौन कौन से पता है हमारे पास, 2013, 14 और 15। प्रॉफिट कितना है, 62 और फिर 59 और फिर है 66। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास बोला था इसमें लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है ना, 2014 के लिए तो प्लस कर दो। और इसमें नॉन रिकरिंग इनकम किसमें है, हाँ तो उसे माइनस कर दो, 15 में रखी है, कितनी थी वो, 3,000। तो अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो माइनस करना है, लॉस है तो प्लस करना है। तो इसमें तो कुछ नहीं था, 62 आ गया, इसमें 61 हो गया, इसमें 63 हो गया। तीनों को प्लस करेंगे टोटल प्रॉफिट आएगा 3, 4 तो 6, हाँ ये आ गया। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला तो हमें याद है, तो डायरेक्ट अमाउंट लिखते हैं, टोटल प्रॉफिट की अमाउंट 186,000 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा, 3 मतलब 1, 2, 3 वाला है ना, डिवाइड करो 3 से 6, ये हो गया 2, ये हो गया 62 है ना। इसका मार करके लाइफ ख़त्म, 62,000। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब नॉर्मल है, एवरेज है, तो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, एपी माइनस एनपी, तो ये 62 माइनस 40 यानी कि ये आ जाएगा 22,000। तो 22,000 आ गया हमारा। अब हमारी एनुइटी वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा। तो गुडविल निकालने के लिए 22,000 तो सुपर प्रॉफिट लिखना पड़ेगा, इनटू वैल्यू कितनी थी,
2.4868 करना मल्टीप्लाई अतुल कितना हुआ 5470 9.6 वही आंसर हाँ जी यही आंसर है ठीक है तो नोट डाउन कर लो इसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप इसे नोट डाउन कर लो आराम से अगली वीडियो मिलते हैं।